चलो, इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है कि जब जो हम लोग टॉलिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं एल्डिहाइड के लिए, तो उसमें एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करते हैं किसको, टॉलेंस रिएजेंट को, उसका नंबर पूछा गया था। ध्यान देना, एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, वो जाता है अपने एसिड के कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। तो इस आर को हम कार्बन मानते हैं, तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ बॉन्ड होगा, और यहाँ भी क्या होगा, ये ऐसा ही कुछ बॉन्ड बनेगा मान लेते हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड के एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, इसी और को बॉन्ड तोड़ो तो क्या होगा, -2 +2। और यहाँ पे सीसी का बॉन्ड है तो इसमें कोई चार्ज बिल्ड नहीं होगा, जूम करके चलते हैं यहाँ पे कोई चार्ज बिल्ड नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, लेकिन जो हम यहाँ पे काम करेंगे वही काम यहाँ करेंगे, ताकि क्या हो, कोई डिफरेंस ना हो। यहाँ पे अल्टीमेटली सी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, चलो +1 आ रहा है। राइट साइड में जो एसिड का सॉल्ट है वहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ -1, और यहाँ से बॉन्ड टूट +1 होगा यहाँ पे, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, माइनस ऊपर में नीचे +2, तो नेट कितना हो गया। और इस सीसी का बॉन्ड से कोई चार्ज बिल्ड नहीं होगा, इसी कारण 0 0 सोच लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी वही काम हम किए हैं। तो नेट यहाँ पे कितने का होगा, +3 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वही क्या होगा, दूसरे के लिए क्या होगा, गेन होगा। तो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो अल्टीमेटली सिल्वर जो टॉलेंस रिएजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, चूंकि आपको इंटीरियर टाइप तक करना है, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है भाई, चलो तीसरे के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।